अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी की कीमत 71.61 रुपए प्रति किलो हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते गुरुवार को भी सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाई गई थी। अब तक 2 हफ्तों में सीएनजी पर 11.60 रुपए बढ़ चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की ताज़ा कीमतें 74.17 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। वहीं मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 78.84 रुपए प्रति किलो की दर से सीएनजी बिक रही है। इसके अलावा गुरुग्राम में 79.94 रुपए, रेवाड़ी में 82.07 रुपए, करनाल और कैथल में 80.27 रुपए प्रति किलो की कीमत सीएनजी की देखने को मिल रही है। उधर यूपी के कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी 83.40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। वहीं राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में सीएनजी के दाम 81.88 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। उधर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमत 4.25 रुपए प्रति एससीएम बढ़ा दी है। ये बढ़े हुए दाम 14 अप्रैल यानी गुरुवार रात से लागू हो गए हैं। 10 दिन पहले ही पहले सीएनजी की कीमतों में 5.85 रुपए की वृद्धि हुई थी। अब दिल्ली में पीएनजी की कीमत 45.86 रुपए प्रति एससीएम वैट सहित, जबकि गाजियाबाद, नोएडा में गैस की प्रति एससीएम की कीमत 45.96 रुपए है। उधर मुंबई में भी मंगलवार को ही महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई महानगर क्षेत्र में घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस की कीमत में 4.50 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की है। उधर पेट्रोल डीजल की बात करें तो जनता को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। आज भी तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।